हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टीवीएस मोटर्स के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। टीवीएस मोटर्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, कैसे रहे रिजल्ट सबसे पहले हम उसको देखेंगे। अगर आज कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो कंपनी का ओपनिंग प्राइस था 582 एंड प्रीवियस क्लोज था 579, यानी स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो बिलो 600 है। 52x हाई 666, 52x लो 421। स्टॉक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसा मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ। अगर इसका वैल्यूएशन से कि पी है 35.93, सेक्टर पी 24.85, अकॉर्डिंग टू स्पीयर्स इसका वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव है, पर 35.93 वाले पी वाले कंपनी को मैं बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं कहने वाला। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 27,414 करोड़ का है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनी का रिजल्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को डिटेल्स में देखें, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस ईयर कंपनी ने डिक्लेयर किया है 562.90 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3,935 करोड़ था। लास्ट ईयर में ड्यू टू लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड अदर थिंग्स इनके जो सेल्स थे यानी टोटल रेवेन्यू थोड़े डाउन थे, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रेवेन्यू इज वेरी गुड एंड आने वाले टाइम में जो फेस्टिवल सीजन का सेल्स है उसका बेनिफिट भी इसी कंपनी को जरूर मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो है अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में जबरदस्त सेल कंपनी रजिस्टर करते हैं। एंड अगर इसका हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का भी टोटल रेवेन्यू देखे वो है 4,616 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा जंप है, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं। नाउ टोटल जो इनका एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ा है, जो एक्सपेंसेस है 5,245 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3,833 करोड़ था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,349। वी नो इनपुट कॉस्ट किसने बढ़े, क्योंकि जो मेटल कॉस्ट है उनके प्राइस हाइक का जो इम्पैक्ट है वो भी इस पर्टिकुलर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर बहुत सारे कंपनीज ने जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी हाइक किए हैं, सो कस्टमर को प्राइस अगर कंटिन्यूसली हाइक या फिर पास ऑन करते रहे, सो आने वाले टाइम में रिजल्ट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर से जो है 376 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 72 करोड़ था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 267 करोड़। दिस इज द आउटस्टैंडिंग फिगर, फ्रॉम 72 करोड़ टू 376 करोड़ इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, जो 277.60 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 53 करोड़ एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 196 करोड़। सो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही अच्छे, आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्टॉक इसको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ब्रोकरेज के टारगेट भी अच्छे आएंगे, आने वाले टाइम में स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो अगर आपको इस स्टॉक को बाय करना है, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर भी आप बाय कर सकते हो। मार्केट अगर बहुत ज्यादा नहीं गिरता तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आने के पूरे चांसेस है। ये था टीवीएस मोटर्स को लेकर मेरा का एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।